हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाइज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। कल के टॉपिक में आपने पढ़ा था मनुष्य में पोषण, आज उसी से आगे का टॉपिक है मनुष्य में परिसंचरण। परिसंचरण का मतलब होता है रक्त का प्रवाह मनुष्य में किस प्रकार से होता है, देखेंगे इससे डिटेल से। देखिए, मानव शरीर में भोजन और गैसों का आदान प्रदान एक तरल पदार्थ के द्वारा होता है जिसे हम रक्त कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी हमने भोजन खाया है वो जब पच जाता है तो वो जब साधारण पदार्थ में बदलता है और गैसों का आदान प्रदान एक भाग से दूसरे भाग में रक्त के द्वारा होता है, क्योंकि रक्त एक संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है जो कि पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है। तो शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा होता है जो भोजन को अलग अलग अंगों तक पहुँचाने का काम करती है, यही क्रिया परिसंचरण कहलाती है। देखिए लिखा हुआ है, रक्त कोशिकाओं का शरीर में जाल बिछा होता है जो भोजन को अलग अलग अंगों तक पहुंचाने का काम करती है, यह क्रिया परिसंचरण कहलाती है। परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं? रक्त, हृदय और रक्तवाहिनी माने नसें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? ध्यान रखेंगे, विलियम हार्वे ने। परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। देखते हैं अगला। अब है रक्त के बारे में बताया गया है। रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है, मैंने आपको पहले बताया। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मतलब जो जोड़ने का काम करता है, तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। रक्त के कार्य क्या है? यह शरीर में पानी की मात्रा को संतुलित करता है। ब्लड में, ब्लड का वर्क है वो वाटर लेवल बॉडी में कितना होना चाहिए उसको बैलेंस करता है। और आहार नाल ने जो पोषक तत्व अवशोषित किए हैं भोजन से उसको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। और क्या करता है? यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्रमशः ऊतकों तथा फेफड़ों तक लेकर जाता है। कहने का मतलब, जब सांस लेते हैं तो सांस में फेफड़ों से जब ऑक्सीजन मिलती है तो उस ऑक्सीजन को ब्लड ही पूरे शरीर में ले जाता है, और जैसे ही वो ऑक्सीजन पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचती है तो कोशिकाएँ उसको लेती हैं और भोजन को जलाने का जब काम करती हैं तो उसमें से CO2 निकलता है और CO2 को वापस भी रक्त लेकर आता है फेफड़ों तक, जिससे कि वो एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग अलग अंगों तक। अब देखते हैं प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा रक्त का ही एक भाग है। यह प्लाज्मा पीले रंग का द्रव पदार्थ होता है। प्लाज्मा में पानी, पोषण युक्त प्रोटीन CO2 और O2 पाया जाता है, और इसमें फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है। अब रक्त में तीन प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं कह लीजिए, श्वेत रक्त कणिकाएं और पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स ये होती हैं। अब इनका सबका हम फंक्शन देखेंगे, अलग अलग फंक्शन क्या है। सबसे पहले देखेंगे लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है। रक्त में सबसे अधिक लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, ये केंद्रक विहीन होती हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं। और एक वयस्क लाल रक्त कोशिका का जीवन काल 120 दिन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। 120 दिन तक के लिए लाल रक्त कोशिकाएं जीवित रहती हैं, फिर वो नष्ट हो जाती हैं अपने आप और नई बनती हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, इसके कारण इसका रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन। अब ऑक्सीजन के साथ मिलकर यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और आपको ध्यान होना चाहिए कि रक्त ऑक्सीजन को ले जाता है, तो रक्त में ऑक्सीजन को ले जाने के लिए हीमोग्लोबिन ही जिम्मेदार होता है। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है। लेकिन जैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ मिलता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसकी जो लगाव होता है हीमोग्लोबिन का, वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ये मिलता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनते ही दम घुटने लगता है। आपने सुना होगा कि सर्दियों के मौसम में लोग अपने घर में अंगीठी जलाते जलाते सो जाते हैं और सुबह तक उनकी मौत हो जाती है। इसका कारण यही होता है कि कमरे में ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनने लगती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके कारण दम घुटने लगता है। अब हम देखेंगे श्वेत रक्त कोशिकाओं के बारे में।
ये संख्या में कम तथा आकार में बड़ी होती हैं। इनकी संख्या जो होती है लाल रक्त कोशिकाओं की तुलना में बहुत ही कम होती है, और इनका आकार लाल रक्त कोशिकाओं से बड़ा होता है, लेकिन इनका कोई आकार फिक्स नहीं होता। मैंने आपको बताया भी था पिछले चैप्टर में कि जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं इनका कोई फिक्स आकार नहीं होता, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, सॉरी इसमें केंद्रक पाया जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन श्वेत रक्त कोशिकाओं में केंद्रक होता है, और किसी भी प्रकार का वर्णक ना होने के कारण ये रंगहीन होती हैं। ठीक है, इनको ल्यूकोप्लास्ट भी कह देते हैं कभी कभी। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब है जिनमें कोई रंग ना हो। ठीक है, यह शरीर में उत्पन्न जीवाणुओं को खत्म करती हैं तथा बीमारी से हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। क्यों? कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर को रोगों से बचाने के लिए श्वेत रक्त कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं। आप ध्यान रखेंगे ना, हमारे बॉडी का सोल्जर भी कहा जाता है। ठीक है, अब बाकी देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स या पट्टी काढ़ू, ये आकार में सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, सबसे छोटी हैं, RBC भी छोटी होती हैं, और ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं। जैसे किसी को चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो वहाँ पर कुछ दिनों बाद अपने आप घाव भर जाता है, तो उस घाव को भरने के लिए, रक्त का थक्का जमाने के लिए प्लेटलेट्स काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रक्त का थक्का भरना, यही लिखा हुआ है। कहीं पर कट जाने पर प्लेटलेट्स सक्रिय होकर फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को फाइब्रीन में बदल देता है। अभी आपने पढ़ा था फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन किस में होता है? प्लाज्मा में। तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? जैसे ही चोट लगती है तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन को फाइब्रिन में बदल देता है। ध्यान रखेंगे, प्लाज्मा के अंदर जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है उसको प्लेटलेट्स फाइब्रिन में बदल देते हैं, जो एक कटे हुए हिस्से पर एक जाल जैसा बना देती है। यह क्रिया रक्त का थक्का कहलाती है, परंतु शरीर के अंदर रक्त वाहिनियों में हेपेरिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि रक्त वाहिनियों के अंदर मतलब नसों के अंदर रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता है, क्योंकि उसमें हेपेरिन प्रोटीन पाई जाती है, इस कारण से रक्त का थक्का नहीं जमता। और थक्का जमता कैसे है? प्लेटलेट सक्रिय हो जाते हैं जब कहीं पर चोट लग जाती है, कट जाते हैं, तो वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। इन पॉइंट को आप बहुत याद रखेंगे अच्छे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब है रक्त वाहिनियाँ। रक्त वाहिनियाँ हम कह सकते हैं रक्त की नसें। रक्त वाहिनियाँ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, धमनी और सिरा। धमनियाँ कौन सी होती हैं? जो हृदय से ऑक्सीजन वाले रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाती हैं, मतलब जिसमें ऑक्सीजन वाला रक्त हृदय से शरीर के अन्य भागों में जाता है, उसे हम धमनी कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, हृदय से ऑक्सीजन वाले रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना क्या काम? धमनियों का होता है, सिर्फ एक धमनी को छोड़कर। वो कौन सी धमनी है? फुसफुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी इसको कहते हैं, फुसफुस धमनी। क्यों? क्योंकि जो फुसफुस धमनी होती है वो हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुँचाती है। अब ध्यान रखेंगे, इसको लिख सकते हैं कि बाकी सभी धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन वाले रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाती हैं, लेकिन जो फुसफुस धमनी होती है वो बिना ऑक्सीजन वाले रक्त को, या आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त को, हृदय से फेफड़े तक पहुंचाती है। ठीक है, धमनियों की भित्ति मोटी होती है। भित्ति का मतलब है उनकी जो सतह होती है, या उनकी जो हम कह सकते हैं दीवारें होती हैं, वो मोटी होती हैं, क्योंकि इनमें रक्त का प्रवाह तेज होता है। क्यों तेज होता है? क्योंकि जब हृदय से पूरे शरीर में ले जाती हैं, जब हृदय संकुचन करता है तो उसमें जो रक्त निकलता है बहुत तेज दाब होता है उसका, और प्रवाह भी तेज होता है। ठीक है, इस वजह से इसकी जो भित्ति होती है वो मोटी होती है। और सबसे बड़ी धमनी को महाधमनी कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी धमनी महाधमनी कहलाती है। ध्यान रखेंगे, धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन वाले रक्त को ले जाती हैं सिर्फ सिवाय फुसफुस धमनी के, जो कि हृदय से कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त फेफड़े तक ले जाती है, और सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है। ठीक है, अब सिराओं की बात करते हैं। ये CO2 वाला रक्त शरीर के अन्य भागों से इकट्ठा करके वापस हृदय में लाती है। ठीक है, उसका उल्टा है जस्ट, सिवाय फुसफुसीय सिरा के। फुसफुसीय सिरा क्या करती है? फुसफुसीय सिरा फेफड़े से ऑक्सीजन वाला रक्त हृदय तक लाती है। इसकी भित्ति पतली होती है क्योंकि इसमें कोई भी प्रेशर नहीं होता है हृदय का, कोई भी दबाव नहीं होता है, और इसमें बाल पाए जाते हैं। बाल इसलिए होते हैं क्योंकि वापस खून ना चला जाए,
और सबसे बड़ी सिरा इसमें महासिरा होती है, ठीक है, वेना केवा, ऐसे ही जो सबसे बड़ी धमनी होती है उसको महाधमनी या aorta कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हृदय क्या है? हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है, मतलब रक्त को पंप करता है पूरे शरीर में। यह वक्ष गुहा में स्थित होता है, मतलब चेस्ट में होता है। इसका निचला हिस्सा थोड़ा सा बाईं तरफ झुका होता है, थोड़ा सा तिरछा होता है। और मनुष्य का जो हृदय होता है वो चार कक्षों में बटा होता है। ऊपर के दो कक्ष को आलिंद कहते हैं और नीचे के दो कक्ष को निलय कहा जाता है। ठीक है, चारों कक्षों के बीच एक विभाजन होता है जिसके कारण रक्त आपस में मिलता नहीं, इसको सेप्टम कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रक्त प्रसंचरण क्या है। रक्त प्रसंचरण का मतलब है शरीर में रक्त का प्रवाह होना। रक्त प्रसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। तो CO2 समृद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों से इकट्ठा होकर, मतलब जो CO2 वाला रक्त है वो शरीर के विभिन्न भागों से इकट्ठा होता है और दाएं आलिंद में पहुंचता है। दाएं आलिंद में लेकर कौन आता है? सिराएं लेकर आती हैं, आलिंद मतलब ऊपरी हिस्सा। ठीक है, यहाँ पर संकुचन के कारण रक्त दाएं निलय में आता है, आलिंद भर जाता है तो वहाँ से निलय में पहुँचता है। बीच में बाल्ब होने के कारण रक्त का प्रवाह वापस नहीं होता और गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों में होता है। ठीक है, रक्त में से CO2 वाला रक्त फेफड़ों में तथा फेफड़ों से ऑक्सीजन रक्त में चला जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि CO2 वाला जो रक्त है वो फुसफुसीय धमनी से हृदय से फेफड़ों में चला जाता है और वहाँ से ऑक्सीजन वाला वापस हृदय में आ जाता है। ठीक है, CO2 वाला रक्त फेफड़ों में तथा फेफड़ों से ऑक्सीजन रक्त में चला जाता है। ठीक है, बायां निलय जाकर एक धमनी में खुलता है जिसे महाधमनी कहते हैं, और महाधमनी से रक्त शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है। तो यहाँ आप ध्यान देंगे गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों में होता है, हृदय में नहीं होता है। हृदय सिर्फ पंप करने का काम करता है। अब देखें हृदय स्पंद क्या होता है, धड़कन, कैसे जिसे धड़कन कहते हैं। तो क्या है, हृदय की भित्तियाँ जो होती हैं पेशियों की बनी होती है, इसे हम कार्डियक मसल भी कहते हैं। और ये पेशियाँ संकुचन और विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंद बनाती। संकुचन का मतलब होता है हृदय का सिकुड़ना और विश्रांति मतलब फैलना। आगे देखेंगे, इसके नापने के यंत्र को स्टेथोस्कोप कहते हैं, मतलब हृदय के स्पंदन को नापने के लिए, सुनने के लिए जो डिवाइस होती है इसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं, जो डॉक्टर अपने पास रखता है मोस्टली गले में डाले हुए। अब एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय स्पंदन लगभग 72 बार धड़कता है मिनट, 1 मिनट में। स्वस्थ व्यक्ति का हृदय लगभग 1 मिनट में 72 बार स्पंदन करता है। अब रक्तदाब क्या होता है? रक्तदाब है रक्त वाहिनियों के भित्ति के विरुद्ध रक्त के दबाव को रक्तदाब कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, जब हृदय संकुचन करता है तो जितने दाब से वह वाहिनियों पर पहुंचता है उसे ही हम रक्तदाब कहते हैं। जब हृदय का संकुचन होता है तब रक्त का दाब ज़्यादा होता है, इसी कारण से धमनियों की भित्ति मोटी होती है। जब हृदय विश्रांति होता है तब रक्त का दबाव कम होता है। कहने का मतलब जब हृदय फैलता है तब उसका दबाव कम होता है। और रक्तदाब को मापने के लिए एक यंत्र होता है, इसको स्फाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120 से 80 मिलीमीटर Hg होता है। कहने का मतलब जो उच्च रक्तचाप होना चाहिए वो 120 और निम्न रक्तदाब होना चाहिए वो 80 मिलीमीटर होना चाहिए। रक्त समूह क्यों, रक्त समूह से कुछ, रक्त समूह क्या है? लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसे हम एंटीजन्स कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें एंटीजन कहा जाता है, और दो प्रकार के एंटीजन होते हैं, ए और बी। इन एंटीजन के होने या ना होने के कारण रक्त समूह को चार भागों में बांटा जाता है, जैसे कि हम देखेंगे इस टेबल में। जैसे रक्त समूह ए है, एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी इसमें है। ऐसे रक्त समूह बी है तो इसमें एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगा। और रक्त समूह ए बी है तो उसमें दोनों एंटीजन होंगे ए बी, लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं होगा। और रक्त समूह ओ है तो उसमें कोई एंटीजन नहीं होता, उसमें एंटीबॉडी होते हैं ए बी। इस तरीके से रक्त समूह चार भागों में विभाजित होता है। आप ध्यान से देख लें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। अब आगे देखेंगे, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज नहीं पाए जाते, प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। फिर अगला पॉइंट है, एक स्वस्थ मनुष्य के 100 मिलीलीटर रक्त में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगर इससे कम है तो हीमोग्लोबिन की कमी है आपके शरीर में, ऐसे मान के चले। रक्त समूह की खोज कॉर्ल लैंड स्टीनर ने की, जो कि एक फिजिशियन थे। ठीक है, अगला है, कुछ जंतु जैसे हाइड्रा और स्पंज में परिसंचरण तंत्र की क्रिया होती है लेकिन कोई अंग नहीं पाया जाता है। इनमें परिसंचरण तंत्र जल में ही होता है, मैंने आपको पढ़ाया था जंतु जगत में, उसी में बताया था आपको
कि इनमें जल जल प्रसंचरण तंत्र होता है। ठीक है, कभी कभी चोट लगने के कारण या किसी और कारणवश शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, तब किसी और से उसी रक्त समूह का रक्त लेकर मरीज को दिया जाता है। आपने सुना होगा ब्लड डोनेशन के बारे में, वही है, रक्त देने वाला दाता और लेने वाला ग्राही कहलाता है। फिर अगला पॉइंट है ए बी रक्त समूह सर्वग्राही होता है। जो ए बी रक्त समूह होता है वो किसी से भी रक्त ले सकता है, क्योंकि उसमें कोई भी एंटीजन सॉरी उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है इस वजह से। और जो ओ होता है वो सर्वदाता होता है, क्योंकि उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक साथ बने रहिए। थैंक यू।